साबूदाने की खिली खिली टेस्टी खिचड़ी खाना किसे अच्छा नहीं लगता। सभी को अच्छी लगती है एकदम अलग अलग, बिना चिपचिपी यानी कि बिल्कुल अलग अलग खिली हुई खिचड़ी। तो आप इसको व्रत के लिए बनाइए या फिर नॉर्मल डेज में भी आप इसको खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है, हेल्दी भी होती है, ये बहुत कम तेल में बनकर तैयार होती है। कैसे आपको बनाना है आइए मैं वीडियो शुरू करती हूँ। तो बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं साथ साथ सिखाऊंगी, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें। कैसे बनाना है साबूदाने की खिली खिली खिचड़ी, इसके लिए सबसे पहले मीडियम साइज का साबूदाना ले लें। आप छोटे वाले साबूदाने से भी बना सकते हैं और बड़ा वाला भी साबूदाना आता है, यानी कि 3 वैरायटी के साबूदाना आते हैं। मैंने आज मीडियम वैरायटी का साबूदाना लिया है। तो साबूदाने को अब हमें अच्छे से वॉश करना है, धोना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम इसमें डालेंगे पानी, और पानी डालने के बाद में हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर जो भी स्टार्च होगा तो वो निकल जाएगा। हमें साबूदाने को बिल्कुल भी मसलना नहीं है, बस हल्के हाथों से मिक्स करना है कुछ इस तरह से, और इसको 2 से 3 बार वॉश कर लेना है। तो जितना भी इसमें स्टार्च होगा एक्स्ट्रा वो निकल जाएगा, और इसके बाद में इसका पानी पूरा हम अलग कर देंगे और इसमें पानी डालकर भीगने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए इसको मैंने 2 से 3 बार धो लिया था। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी, लगभग आधा कप के करीब पानी हम इसमें ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स पानी हमें इसमें इतना डालना है कि साबूदाना जस्ट अच्छे से सोख हो जाए, अच्छे से भीग जाए। तो देखिए यहाँ पर आपको लगभग 2 घंटे के लिए तो इसको छोड़ना ही है। अगर आप इसको 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे तो बहुत अच्छा, आपका साबूदाना ज़्यादा अच्छे से भीगेगा और इसी तरह से खिला खिला हो जाएगा। तो साबूदाना अगर आप दबा कर देखेंगे तो बहुत अच्छे से दबने लगेगा, इसका मतलब ये अच्छे से भीग चुका है। अब कुछ तैयारी हमें और करनी होगी। यहाँ पर मैंने भुनी हुई मूंगफली ली है, मैंने मूंगफली के दाने लिए आधा कप से लेकर 3/4 कप आप ले सकते हैं। उसको कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालकर आपको 6 से 7 मिनट तक भूनना है। जब वो भुन जाएंगे उसके बाद में आप ठंडा करके मिक्सी के जार में डालकर छिलका सहित हल्का सा दरदरा इस तरह से कूट लें। तो पल्स करते हुए मैंने सिर्फ उसको एक बार ही मिक्सी में चर्न किया था और दाने हमारे तैयार हैं। अब आइए साबूदाने की खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर नॉनस्टिक कढ़ाई ली है। आप लोहे की कढ़ाई, एल्यूमिनियम की कढ़ाई किसी में भी बना सकते हैं, पर इस तरह से नॉनस्टिक कढ़ाई में बनाएंगे तो ये चिपकती नहीं है बिल्कुल भी। और देखिए यहाँ पर आपको डालना है 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं। जो व्रत की खिचड़ी होती है या तो घी में बनाई जाती है या फिर रिफाइंड ऑयल में बनाई जाती है, मस्टर्ड ऑयल में आप बिल्कुल भी ना बनाएं। तो देखिए घी या तेल को अच्छे से गर्म करके इसमें डालें 1/2 चम्मच जीरा। जीरे को अच्छे से फूट जाने दें, चटक जाने दें, और उसके बाद में हरी मिर्च अदरक हम इसमें डालेंगे। करी पत्ते अगर आपके पास हैं तो थोड़े से करी पत्ते भी डाल सकते हैं, और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। कुछ सेकंड भून लेंगे इन्हें भी। तो अदरक का जब कच्चापन निकल जाएगा इसके बाद में हम भीगा हुआ साबूदाना इसमें डाल देंगे। आप देख सकते हैं जो साबूदाना बिल्कुल फ्री फ्लोइंग है, यानी कि बिल्कुल भी चिपका चिपका नहीं है। साथ ही हमने इसमें यहाँ पर क्रश की हुई मूंगफली भी डाल दी और थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दिया। यहाँ पर मैंने लिए थे 2 मीडियम साइज के बॉयल किए हुए आलू, जिसको मैंने यहाँ पर छोटा छोटा काट लिया है, क्यूब्स में कट कर लिया और इसमें डाल दिया। आलू की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और जिन लोगों को आलू डालना, आलू खाना पसंद नहीं है वो स्किप भी कर सकते हैं, पर आलू का टेस्ट खिचड़ी में बहुत अच्छा लगता है। तो बॉयल किया हुआ आलू आप ज़रूर ऐड करें, छोटा छोटा काट कर ऐड करें, बड़े पीस कम अच्छे लगते हैं। और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फ्लेम को आप मीडियम रखें, मीडियम फ्लेम पर हम इसको 2 मिनट तक इसी तरह से मिक्स करेंगे। हल्के हाथों से मिक्स करना है, बहुत जल्दी जल्दी मिक्स नहीं करना है। अब इसमें हम फटाफट से डाल देते हैं व्रत का नमक, यानी कि सेंधा नमक। तो 1 से 1.5 चम्मच आप इसमें सेंधा नमक डाल दें। अगर आप रोज के लिए बना रहे, सुबह नाश्ते के लिए बना रहे, शाम की हल्की फुल्की भूख के लिए बना रहे, तो आप इसमें सादा सफेद नमक भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच के करीब शुगर, तो 2 चम्मच शक्कर भी मैंने डाल दी, और 1 नींबू का रस निचोड़कर इसमें डाल देंगे। तो बहुत ही चटपटा हमारा खट्टा मीठा सा साबूदाना बनकर तैयार होगा, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इस तरह से खिचड़ी अगर बनाएंगे ना तो यकीन मानिए खाते ही रह जाएंगे, और बहुत ही टेस्टी बनेगी और बहुत ही खिली खिली बनेगी। देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया, अब इसको हम कवर कर देंगे, फ्लेम को कर देंगे थोड़ा सा कम, और फ्लेम को लो मीडियम करके इसको ढककर हम 4 से 5 मिनट तक कुक करेंगे। बीच में 1-2 बार हमें इसको चलाना ज़रूरी है। हल्के हाथों से थोड़ा सा अपसाइड डाउन कर लेंगे और बस हमारी ये साबूदाने की बहुत ही टेस्टी खिली खिली खिचड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसको व्रत के लिए बनाइए, नवरात्रि में बनाइए, किसी भी व्रत के लिए बना सकते हैं। आपको जो चीज़ें आप नहीं खाते हैं व्रत में वो स्किप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अदरक नहीं खाते हैं तो अदरक हटा सकते हैं, और चाहें तो इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं। मैं भी कभी कभी इसमें टमाटर डाल देती हूँ। फिलहाल तो मैंने बिल्कुल इसको ऐसे बनाया है कि जो ये सभी लोग खा पाएं,
और सारे व्रत के रूल्स को फॉलो करके बनाया है। आधी छोटी चम्मच मैंने कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर भी डाला है, जो इसको लास्ट में बहुत ही चटपटा और एक बहुत ही यूनिक फ्लेवर देगा। और बस इसको 2 मिनट के लिए और आप ढककर गैस ऑफ करके ढककर छोड़ दीजिए। तो 2 मिनट के लिए मैंने इसको ढक दिया था, गैस को ऑफ कर दिया था, और उसके बाद में मैं इसको सर्विंग प्लेट में निकाल रही हूँ। तो देखिए हमारी बहुत ही टेस्टी खिली खिली खिचड़ी बनकर तैयार है। एकदम एक एक दाना बिल्कुल इसका अलग अलग है, आप देख सकते हैं। इसका कलर आप देखिए, टेक्सचर देखिए, बहुत ही टेस्टी बनी है। तो बनाकर देखिए, खाकर देखिए, और बनाने के बाद में फीडबैक जरूर शेयर कीजिए। आई होप आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।